हेलो स्टूडेंट, अष्टरी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, जिसको कंडक्ट करवाती है HNBU MU हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। तो इसका एग्ज़ाम 2024 में कब होगा, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इस साल का सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ में यह भी आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट तैयारी इस चैनल में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो 12 पास आउट है, ओके। और इनका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड। और यह जो एग्ज़ाम होता है उसमें 11 और 12 लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस फॉर्म को जो भरने की मिनिमम आयु होती है वह 17 ईयर्स होती है। और NCERT पैटर्न के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 11th और 12th लेवल का ही होता है, NCERT पैटर्न पे ही आधारित होता है, ओके। इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें से आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है, ओके। इसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB से आपको फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के आपका 20 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन, ओके। इसमें से जो PCV के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 11th और 12th लेवल का ही होता है, और जो आपने 11th 12th में पढ़ा था उसी से आपका हो जाएगा, वो भी NCERT। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसमें जो 40 मार्क्स का होता है, इसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो 60 मार्क्स की तैयारी तो आराम से हो जाएगी। और ये जो 40 मार्क्स का होता है इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे, तो इसके लिए हमने एक 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लाया है। इसमें आपको 60 मार्क्स भी कवर हो जाएगा और ये 40 मार्क्स भी कवर हो जाएगा, ओके। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड, PCV, ओवरऑल सभी कवर हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये हम आगे बताएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 2 घंटे का होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म पे। तो इसका जो फॉर्म है वो आपका मार्च मंथ तक आ जाएगा, मे भी हो सकता है मार्च मंथ के लास्ट तक भी हो। तो अगर इसका फॉर्म मार्च तक आ जाता है तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका, इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप फॉर्म निकलने के वेट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। फॉर्म के बाद सिर्फ आपको 1 मंथ ही मिलेगा, और 1 मंथ में तैयारी नहीं हो पाएगा तो आज और अभी से ही तैयारी में लग जाइए। इसके एग्ज़ाम की जो पेपर होती है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ओके। और इस एग्ज़ाम में जो है वह निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, और इसमें पेपर का जो लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो मिनिमम आपको 60+ मार्क्स लाना होगा, 100 टोटल मार्क्स होता है, इसमें आपको 60+ मार्क्स लाना होगा तभी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप लोग कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, ताकि
टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल सके। तो आप हमारे ऐप में आइए, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपको सफलता बैच दिखेगी जिसमें सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। ये उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए स्पेशल है। इसमें आपको लाइव क्लास है, चैप्टर वाइज नोट, वीकली टेस्ट, डाउट सेशन सभी कुछ करवाया जा रहा है और आपके सभी डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी, क्लास के बाद पीडीएफ नोट सभी कुछ अवेलेबल है। सबसे सस्ता 599 में ही अवेलेबल हो जाएगा। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो भी वन ईयर के लिए। इतने कम फी में आपको कहीं भी नहीं कोर्स मिलेगी। इसके अलावा आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी कुछ अवेलेबल है। इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। अगर इस पीडीएफ को आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन बैंक से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन बैंक को परचेज किए थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। आप ये कोर्स और पीडीएफ को लेके तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो जितना भी टाइम है आप सभी इस क्वेश्चन बैंक को लेके पढ़ लीजिए। अभी से पढ़ोगे तो आपका प्रॉपर टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए और सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।